हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तो हमने अपने पिछले वीडियो में HTML फाइल अपनी कंप्लीट की थी और इतना हमने डिज़ाइन किया था। अब इसी में यहाँ पर मैं एक डिवीजन टैग ले लेता हूँ और डिवीजन टैग में दे देता हूँ यहाँ पे डाइव टैग और इसकी क्लास ले लेता हूँ यहाँ पे कॉल x8 10। और इसमें एक स्ट्रॉन्ग टैग लेता हूँ स्ट्रॉन्ग और इसके अंदर दे देता हूँ मैं पासवर्ड लेंथ एंड देन जब इसको हमने सेव किया ये हमारा इतना हुआ। अब इसकी हम लोग स्टाइलिंग करते हैं। तो जब स्टाइलिंग में जाएंगे तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले बॉडी लेते हैं और बॉडी में बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ मैं कुछ, तो बैकग्राउंड कलर मैं ब्लू वायलेट ले लेता हूँ या डार्क ब्लू ले लेता हूँ। तो ये डार्क ब्लू कलर का यहाँ पे हो गया। इसकी मैं हाइट दे देता हूँ कुछ, तो हाइट हमने यहाँ पे 600 पिक्सल कर दी। और बॉडी टैग के बाद जो हमने एक कंटेनर यहाँ पे अपने ये कंटेनर, तो अब इस कंटेनर की हम लोग डिजाइनिंग करेंगे। तो डॉट कंटेनर क्योंकि क्लास है तो इस वजह से डॉट का यूज कर रहे हैं हम। और इसके बाद इसमें हम लोग डिजाइनिंग करने वाले हैं तो इसकी विड्थ कुछ दे देंगे। तो इसकी विड्थ हम दे देते हैं विड्थ 600 पिक्सल एंड देन मार्जिन दे देता हूँ मैं इसमें कुछ मार्जिन 0 और ऑटो कर देता हूँ मैं आप, तो 0 और ऑटो मैंने इसकी मार्जिन कर दी। एंड देन इसके बाद मार्जिन टॉप करता हूँ मैं, तो मार्जिन टॉप से अब मैं अगर 70 पिक्सल लेके देखता हूँ तो इतना नीचे आया, तो मैं यहाँ पे इसकी 100 पिक्सल मार्जिन करके देखता हूँ। ठीक, तो 100 पिक्सल मार्जिन ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 120 पिक्सल कर दूँ तो ठीक है, 120 पिक्सल हम ले लेते हैं मार्जिन यहाँ पे। इसका फॉन्ट साइज ले लेते हैं, तो फॉन्ट साइज हम इसका कितना ले लें, अगर मैं 2EM करता हूँ तो ये फॉन्ट साइज है, और इसका मैं 3EM करके देखूँ या तो 3EM इज परफेक्ट साइज, तो मैं 3EM ले लेता हूँ यहाँ पे। और इसके बाद जो आउट क्लास हमने बनाई थी, ये क्लास आउट है हमारी इनपुट में, तो इसकी डिजाइनिंग अब हम लोग करते हैं। तो डॉट आउट और इसमें मैं दे देता हूँ मार्जिन बॉटम और मार्जिन बॉटम मैं इसकी 10 पिक्सल कर देता हूँ। तो 10 पिक्सल मार्जिन बॉटम किया तो ये 10 पिक्सल नीचे आ गया, नीचे से वो हो गया ऊपर हो गया। एंड देन इसके बाद इसकी विथ मैं कर देता हूँ 100% विथ 100% मैंने कर दी इसकी, और ये विथ इसकी 100% हो गई। अब इसके बाद मैं टेस्ट लाइन सेंटर कर देता हूँ, तो टेस्ट लाइन सेंटर किया मैंने। एंड देन कलर मैं इसका दे देता हूँ कलर क्या दे दूँ, HF63 ये कलर कर देता हूँ यहाँ पे मैं। और इसका फॉन्ट साइज इसका 2.3 REM कर देता हूँ, 2.3 REM। और इसके बाद बॉर्डर दे दूँ इसमें मैं कुछ, तो अगर मैं इसमें बॉर्डर देता हूँ लाइक मैंने यहाँ पे 2 पिक्सल सॉलिड और वाइट बॉर्डर कर दी यहाँ पे, तो 2 पिक्सल सॉलिड वाइट बॉर्डर हो गई यहाँ पे। बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ मैं कुछ यहाँ पे, बॉर्डर रेडियस से अच्छा लगने लगेगा और बॉर्डर रेडियस मुझको लगाने में भी अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पे अगर 20 पिक्सल कर दूँ, 20 पिक्सल नहीं करता यहाँ पे मैं, 40 पिक्सल करके देखता हूँ। ठीक, 40 पिक्सल परफेक्ट है या 40 पिक्सल अच्छा लग रहा है। अब इसके बाद जो बटन हमारी है उसकी डिजाइनिंग करते हैं। बटन को हमने क्लास दी थी माई बीटीएन, तो डॉट
माई बी टी एन। अब इसकी पैडिंग, पैडिंग मैं इसमें दे देता हूँ 20 पिक्सल और 20-20 पिक्सल दे देता हूँ, ओके। और फॉन्ट साइज इसका मैं इंक्रीज कर देता हूँ, मतलब बड़ा कर देता हूँ। तो फॉन्ट साइज इसका, फॉन्ट साइज मैं रख देता हूँ अगर 30 पिक्सल करता हूँ, मैं यहाँ पे 40 पिक्सल कर देता हूँ फॉन्ट साइज। तो 40 पिक्सल फॉन्ट साइज किया यहाँ पे। और पैडिंग जो हमने दी है वो ज़्यादा दे दी है, तो यहाँ पे मैं पैडिंग 15 और 15 की कर देता हूँ, 15-15 की, ओके, या 15-15 की मैंने यहाँ पे कर दी। एंड देन इसके बाद मार्जिन बॉटम से कर देता हूँ मैं, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल, या तो ये नीचे से स्पेस आ गया मार्जिन बॉटम हमने जब 20 पिक्सल लिया तो। और इसके बाद ये जो पासवर्ड है हमारा, पासवर्ड लेंथ जो उसको कर रहा है, इसमें डॉट पास क्लास ली थी हमने, तो डॉट पास क्लास लेके यहाँ पे विथ मैं कर देता हूँ इसकी 350 पिक्सल विथ ली हमने इसकी। और इसके बाद फ्लॉट, फ्लॉट मैं इसको राइट कर दूँ, लेफ्ट कर देता हूँ, या लेफ्ट, ओके। तो प्लॉट लेफ्ट कर दिया, लेफ्ट में रहेगा यार। इसका फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज कर देता हूँ मैं 30 पिक्सल, ओके। फॉन्ट साइज 30 पिक्सल कर दिया हमने इसका। कलर इसका कर देता हूँ, कलर हैच ट्रिपल एफ हैप एफ एफ एफ। एंड मैं यहाँ पहले कुछ स्पेस बना लेता हूँ। और यहाँ पे पाफ में जो रिस्टाइलिंग हम कर रहे हैं, तो फॉन्ट अभी तक हमने कलर दिया, यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट कर देता हूँ मैं, मार्जिन लेफ्ट। और मार्जिन लेफ्ट में कितना, इसमें 0 कर दूँ मार्जिन लेफ्ट, हमको लेफ्ट से मार्जिन नहीं चाहिए, मार्जिन टॉप से चाहिए। तो मार्जिन टॉप, और मार्जिन टॉप से हम ले लेते हैं 10 पिक्सल की, तो 10 पिक्सल की मार्जिन टॉप से हमने ले ली। एंड देन इसमें पैडिंग 20 पिक्सल की पैडिंग ले लेते हैं, 20 पिक्सल की पैडिंग ले ली। और बैकग्राउंड कलर मैं इसमें कर देता हूँ, तो बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर मैं इसका दे देता हूँ हैच एफ 63। और इसके बाद बॉर्डर ले लेता हूँ, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड वाइट। एंड देन बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस, और बॉर्डर रेडियस कितनी 20 पिक्सल की ले लेता हूँ, ओके गाइज। तो हमने यहाँ पे अपने HTML में स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर यहाँ पे क्लास पाफ ले ली है, और इसकी जो स्टाइलिंग की, तो हमारा ये ऐसा फो होने लगा यहाँ पे, जो हमको करना था उतना फो होने लगा। अब इसकी स्टाइलिंग हम लोग करेंगे यहाँ पे, तो उसके लिए हमारी क्लास क्या थी, क्लास देख लेते हैं हम। तो हमारी क्लास इन थी, तो डॉट इन करेंगे हम अपने उसमें, तो डॉट इन यहाँ पे, डॉट इन। एंड देन यहाँ पे मार्जिन मैं 0 कर देता हूँ, और इसके बाद पैडिंग 5 पिक्सल कर देता हूँ, पैडिंग ओनली 5 पिक्सल, ओके। मार्जिन टॉप से, मार्जिन टॉप से मैं ले लेता हूँ 10 पिक्सल की। और जब हमने मार्जिन टॉप से 10 पिक्सल की ली, तो ये दोनों इक्वल साइज में आ गए। तो इसमें हम थोड़ी स्टाइलिंग और कर देते हैं, ताकि और अच्छा लगने लगे। इसके बाद प्लॉट, इसको मैं राइट में कर देता हूँ, ओके, ये राइट में रहेगा, और ये अब अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अब इसके बाद इसकी बॉर्डर वगैरह हम दे देते हैं। तो टेस्ट लाइन, इसमें जो टेस्ट है हमारा, यहाँ पे जो हम लिखेंगे वो सेंटर में आए, इसलिए हम लोग यहाँ पे टेस्ट लाइन सेंटर कर दिया। तो अब जो भी राइट करेंगे हम यहाँ पे, वो सेंटर में आएगा। एंड देन इसके बाद हम बैकग्राउंड कलर इसका कुछ कर देते हैं। तो बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर अगर मैं इसका हैच
F6-3 कर देता हूँ, तो बैकग्राउंड कलर इसका H F6-3 हो गया। अब इसका कलर मैं वाइट कर देता हूँ, तो अगर मैं कलर इसका वाइट कर दूँ, ओके कलर वाइट कर दिया हमने इसका। अब इसमें बॉर्डर दे देता हूँ 2 पिक्सल की सॉलिड और वाइट, और इसमें बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ, बॉर्डर रेडियस और कितनी 20 पिक्सल की, ओके। तो अब हमारी जो स्टाइलिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी है और अब हमारा ये प्रोजेक्ट अच्छा लग रहा है, धमाकेदार। और यहाँ पे पासवर्ड लेंथ में मैं ये HTML फाइल में यहाँ पे पासवर्ड लेंथ के बाद ये ओके, अब इसको सेव करता हूँ तो ये अब अच्छा लग रहा है। इसमें कुछ स्पेस दे देता हूँ और अब सेव करता हूँ, ओके अब परफेक्ट है। अब इसके बाद हमारा HTML और CSS का काम तो हो गया, हमारी HTML पूरी हो गई और CSS हमारी कंप्लीट हो गई, एंड देन अब हमको करना क्या है, अपनी JavaScript परफॉर्म करनी है। और JavaScript परफॉर्म करने के लिए मैं अपने हेड टैग के अंदर ही JavaScript को राइट कर लेता हूँ। तो JavaScript के लिए स्क्रिप्ट टैग का यूज करते हैं, तो यहाँ पे मैं स्पेस बना लेता हूँ पहले हेड टैग के अंदर, और यहाँ पे स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट टैग ओपन एंड क्लोज। तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम अपनी JavaScript परफॉर्म करने वाले हैं, JavaScript का कोड लिखने वाले हैं। तो इसमें हम सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, वेरिएबल का नाम दे देंगे की लिफ्ट, और इसके बाद की लिफ्ट में ABCDEFGH हम सारे अल्फ़ाबेट लिखे दे रहे हैं यहाँ पे, ABCDEFGH IJ KL MN OP QR FT UV W X Y and then Z, और कुछ स्पेशल सिंबल्स और न्यूमेरिकल वैल्यू हम दिए दे रहे हैं यहाँ पे। तो मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये कर दिया, और यहाँ पे कुछ सिंबल दे दिए जैसे डबल पॉइंट, और इसके बाद हैच भी किए दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं परसेंटेज का भी किए दे रहा हूँ, एंड का भी किए दे रहा हूँ, स्टार का भी किए दे रहा हूँ, कुछ स्पेशल सिंबल्स यहाँ पे हमने दे दिए। तो ये हमने कुछ स्पेशल सिंबल्स यहाँ पे दिए, और इसके बाद ये हमारा वेरिएबल क्रिएट हो चुका। अब इस वेरिएबल के बाद हम फिर एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं टेम्प नाम का, और इसको हम एम्प्टी रख के छोड़ देंगे ऐसे ही। और इसके बाद फंक्शन क्रिएट करते हैं, तो फंक्शन, और फंक्शन का नाम दे देते हैं हम जनरेट पाथ, जनरेट पाथ, और इसमें दे देते हैं पी लेंथ, और इसके बाद फंक्शन के अंदर हम जो टेम्प वेरिएबल वहाँ पे क्रिएट किया है, ये जो टेम्प वेरिएबल ये वाला क्रिएट किया है यहाँ पे, इस टेम्प वेरिएबल को यहाँ पे बी टेम्प करके और ऐसे ही करके ऐसे ही छोड़ देते हैं, ऐसे ही हमने छोड़ दिया यहाँ। अब इसके बाद फॉर लूप का यूज करेंगे, तो फॉर लूप लगाएंगे यहाँ पे हम, और फॉर लूप में आई और आई इक्वल टू जीरो, और जब आई इक्वल टू जीरो हुआ हमारा तो आई और पी लेंथ हम यहाँ पे दे रहे हैं पी लेंथ कि पी लेंथ तक हमारा जाएगा, और इसके बाद ये प्लस प्लस होता रहेगा, मतलब हमारा पासवर्ड जैसा हम करेंगे उसी अकॉर्डिंगली इंक्रीज होता रहेगा। और ये इसके बाद हमने जो टेम्प वेरिएबल बनाया था उसी टेम्प वेरिएबल को यहाँ पे ले करके इसमें प्लस इक्वल टू करेंगे ताकि ये ऐड करता रहे, और इसके बाद जो की लिफ्ट हमने ली उस की लिफ्ट को यहाँ पे किया और डॉट कैरेट फंक्शन का यूज किया कैरेट, और इसके बाद यहाँ पे मैथ फंक्शन होता है तो मैथ फंक्शन का यूज किया यहाँ पे मैथ या मैथ फंक्शन का यूज किया मैथ डॉट फ्लोर, और इसके बाद फिर यहाँ पे मैथ डॉट रैंडम, मैथ डॉट रैंडम फंक्शन होता है, मैथ डॉट रैंडम फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया, और इसके बाद यहाँ पे
की लिफ्ट, जो हमारी की लिफ्ट थे वो मल्टीप्लाई करवाई यहाँ पे, और इसकी डॉट लेंथ जो लेंथ है उससे परफॉर्म करवाया यहाँ पे। इसके बाद ये हमारा यहाँ पे फॉर लूप कंप्लीट हुआ। अब फॉर लूप के बाद इसमें इसके बाद यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे, तो रिटर्न, और रिटर्न हमको क्या करना है, अपना जो वेरिएबल हमने क्रिएट किया टेम्प, उसी वेरिएबल को यहाँ पे हमने रिटर्न कर दिया। एंड देन हम अपने इस फंक्शन के बाहर आ जाएंगे, और जब फंक्शन के बाहर आ गए तो फंक्शन हम लिखेंगे एक फंक्शन, और फंक्शन का नाम देंगे पॉपुलेट। जो फंक्शन हमने यहाँ पे क्रिएट किया था नीचे बॉडी टैग के अंदर, ये हमने जो फंक्शन ऑन क्लिक फंक्शन क्रिएट किया था पॉपुलेट फॉर्म, इसी फंक्शन का नाम यहाँ पे देंगे। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं पॉपुलेट और फॉर्म, तो पॉपुलेट फॉर्म, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इंटर लेंथ कर देंगे, इंटर लेंथ इसके अंदर पास कर रहे हैं। और इसके बाद इस फंक्शन कॉल करो, और इसके अंदर हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, मतलब डॉम मॉडल का यूज करके डॉक्यूमेंट डॉट पाफ जेन डॉट आउटपुट डॉट वैल्यू इक्वल टू जनरेट पाफ और इंटर लेंथ, ये पास किया हमने यहाँ पे, ओके। अब इसको हमने सेव किया। अब हम देखते हैं अपने इसको, अब यहाँ पे अगर मैंने लाइक 9 पास किया और जनरेट पासवर्ड में क्लिक किया, तो ये 9 नंबर का पासवर्ड यहाँ पे जनरेट हो चुका है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने अब प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे आप जो भी नंबर देंगे, अगर मैंने यहाँ पे 1000 कर दिया, तो और इसके बाद जनरेट पासवर्ड में क्लिक किया, तो 1000 नंबर का पासवर्ड यहाँ पे जनरेट हो चुका है। बट इसकी लेंथ छोटी है तो वह भी आपको दिखेगा नहीं। तो आप यहाँ पे अगर मान लीजिए अगर 2 बिट का किया यहाँ पे और जनरेट पासवर्ड में क्लिक किया, तो 2 डिजिट का पासवर्ड जनरेट हो चुका है। अब यहाँ पे अगर 8 डिजिट का कर रहे हैं आप, जनरेट पासवर्ड में क्लिक किया, तो ये पासवर्ड 8 बिट का जनरेट होगा। तो आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका। अब मैं आपको शुरुआत से डिफाइन कर देता हूँ, इनिशियल वे से, कि हम लोगों ने अभी तक अपने अपने प्रोजेक्ट में किया क्या क्या है, ताकि आप लोगों को एक बार और ओवरव्यू मिल जाए। तो सबसे पहले हमने एक फाइल क्रिएट की index.html, एक css की फाइल क्रिएट की style.css। अब style.css को अपने html फाइल से क्लिक किया, टाइटल इसका रैंडम पाथ जनरेटर कर दिया, तो और बाकी ये सारा हमने डिफाइन कर ही दिया था अगले लेक्चर में html फाइल को। तो मैं css में डिफाइन कर देता हूँ। तो css में बॉडी का कलर मैंने डार्क ब्लू कर दिया, हाइट इसकी दे दी, डॉट कंटेनर, डॉट आउट, ये सारी क्लासे हैं, इनको हमने डिजाइन किया। इसके बाद जावास्क्रिप्ट फाइल को मैंने अपने HTML फाइल के हेड टैग के अंदर ही स्क्रिप्ट टैग का यूज करके इसी के अंदर मैंने जावास्क्रिप्ट फाइल का कोड राइट किया है, और इसमें मैंने फर्स्टली एक वेरिएबल क्रिएट किया है की लिफ्ट नाम का, उसमें मैंने सारे अल्फ़ाबेट दे दिए और 1 to 9 मैंने डिजिट दे दी, कुछ स्पेशल सिम्बल्स दे दिए। एंड देन इसके बाद मैंने एक और वेरिएबल लिया टेम्प नाम का, इसको मैंने एम्प्टी छोड़ दिया। फिर इसके बाद एक फंक्शन कॉल करवाया, फंक्शन मतलब राइट किया, और उस फंक्शन का नाम दिया जनरेट पाफ, उसमें पी लेंथ पाफ कर दी पैराग्राफ की जो लेंथ होगी। इसके बाद टेम्प वेरिएबल फिर से मैंने एम्प्टी डिफाइन किया, फॉर लूप लगाया जो 0 से लेके पी की जो लेंथ होगी, पैराग्राफ की जो पासवर्ड की जो लेंथ होगी, यहाँ पे पी लेंथ में पासवर्ड लेंथ, जो पासवर्ड की हमारी लेंथ होगी, तो वो लेंथ यहाँ उस लेंथ तक जाएगा। इसके बाद प्लस प्लस होता रहेगा, और जो वेरिएबल था उसमें हमने इसको ऐड कर दिया, और इसके बाद यहाँ पे हमने रिटर्न अटैम्प कर दिया। इसके बाद हमने फिर एक फंक्शन कॉल करवाया, जो हमने ऑन क्लिक फंक्शन का यूज किया था इंटर लेंथ में, यहाँ पे जनरेट पासवर्ड वाले में, कि हम इसी में क्लिक कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे पासवर्ड 4 हो रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पे इंटर लेंथ दी, और पासजेन डॉट आउटपुट डॉट वैल्यू इक्वल टू जनरेट पास, ये जनरेट पासवर्ड का ही है, तो जनरेट पास यहाँ पे, और इंटर लेंथ कर दिया। हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड कंप्लीट हुआ यहाँ पे। तो हमारा ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है, और ये हमारा प्रोजेक्ट है। आप यहाँ पे
कितने भी डिजिट पास करिए उसका पासवर्ड रैंडमली जनरेट हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइज वॉचिंग दिस सेशन।